हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ जुब्बा सनी पार्क आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं डाइट पर बात करूंगी, तो उस पर बात करने के पहले मैं एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने पढ़ा था कि अगर आपको लगे कि मैं खाऊं या ना खाऊं तो बिल्कुल नहीं खाइए, और अगर लगे कि वॉशरूम जाऊं या ना जाऊं तो जरूर जाइए। लेकिन असल जिंदगी में हम लोग से इसका जस्ट उल्टा करते हैं। जब भी लगता है खाए या ना खाए तो हम जरूर खाते हैं, और वॉशरूम जाए या ना जाए तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो आप इस आदत को अपनी सबसे पहले बदलिए। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आप अगर अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। हमारे जीवन की कुछ फनी बातें हैं, वो मैं पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम अनमैरिड होते हैं तो मम्मी कहती है कि ये खा लो नहीं तो खाना बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय हम कहते हैं कि नहीं, बर्बाद हो जाए, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन जब हमारी शादी होती है तो हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है। हम क्या करते हैं कि खाना बर्बाद ना हो जाए इसलिए उसको खाने लगते हैं, उसकी मतलब उसको खत्म करने के चक्कर में भूख नहीं भी है तो हम लोग खा लेते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें जो धीरे धीरे शरीर में आपके जो है फैट जमा होने लगता है। तो मेरा तो पहला ये कहना है कि आपको जब भूख लगे तभी आप खाइए, खाना बर्बाद होने की चिंता आप न कीजिए, खाना उतना ही बनाइए कि बर्बाद ना हो। और अगर बर्बाद थोड़ा हो भी जाता है तो आप उसकी चिंता न कीजिए, पहले शरीर की चिंता कीजिए। हम महिलाओं को अपने डाइट पर कैसे ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत जो करें वो आप हल्के गर्म पानी और नींबू से करें। और मतलब कि कहा गया है कि 100 काम छोड़कर खाना और 1000 काम छोड़कर नहाना, यानी कि खाना और स्नान करना दोनों समय से बिल्कुल होना चाहिए। ये स्वस्थ जीवन का एक राज है। तो आप ऐसा नहीं है कि चलो ये भी काम कर लेते हैं वो भी काम कर लेते हैं फिर खाना खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके खाने का भोजन का जो समय है उस समय आप जरूर खाना खाइए, और स्वस्थ और हेल्दी जो आपका जो फूड है वो होना चाहिए। और फिर हम महिलाएं क्या करती हैं कि बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी तला गला कुछ खाना बनाते हैं, तो वो बच्चे हैं वो उस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो दौड़ते हैं भागते हैं, लेकिन हम लोग उतना दौड़ भाग नहीं करते हैं। तो हमें खाना बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए। जैसे आप बच्चों के लिए कुछ मसालेदार छोले वगैरह बनाते हैं और हम लोग अपने पसंद का ध्यान नहीं रखते हैं, उसी में से अपना जो है खा लेते हैं, तो क्या होता है कि वो उतना भाग दौड़ नहीं करने के कारण हमारा जो है डाइजेस्ट सही से नहीं होता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है। अगर आप स्वस्थ हो रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मीठा जो खाना है उसको एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि मीठा जो होता है शरीर के लिए बिल्कुल पॉइजन का काम करता है। जैसे कि आप मीठा खा लिए, एक रसगुल्ला भी अगर आप खाते हैं, काला जामुन कुछ भी खा लेते हैं जो बिल्कुल एकदम चीनी से भरा हुआ होता है, और आप उतना दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होता है और कैलोरी हमारे शरीर में जो होती है वो जमा होने लगती है। तो अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने खाने को, डाइट को। जैसे आप मिठाई ना खाकर आप फल खाइए जो मीठा होता है, तो उसमें नेचुरल जो होता है मिठास वो आपके मीठा खाने के जो मन है उसको कम भी करता है और वो फायदेमंद होता है। महिलाएं काम करते करते समय पर खाना नहीं खाती हैं, क्या 11 बज गया 12 बज गया, आप हमेशा सोचते हैं कि ये काम समेट ले वो काम समेट ले, तो समेटते समेटते आपका जो है शरीर डिमांड कर रहा है कि उसे कुछ हल्का स्नैक्स चाहिए, तो आप उस समय खाना नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम भी होने लगती है महिलाओं में। ज़्यादातर गैस की प्रॉब्लम महिलाओं में होती है और ये सारी बीमारी का घर होता है। तो इसलिए आप समय पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट नाम दिया गया है, अपने फास्ट को ब्रेक जरूर करें, कुछ 2 बिस्किट खा लें, कोई ड्राई फ्रूट खा लें, जिससे कि आपको आपके शरीर में उस समय जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह से आप अपने खान पान का टाइम का बहुत ध्यान रखें, मीठा खाना कम करें, और मीठा के बाद दूसरा जो खान पान है जिसको कि एवॉइड करना चाहिए वो है मैदा, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। तो मैदे का खाना जो भी है बनाते हैं आप, निमकी है कुछ भी है सब
लोग एग रोल वगैरह भी बच्चे के लिए बनाते हैं, या मैदा का ही बच्चा पूरी वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें भी आप थोड़ा कम ही दें, और खुद तो कभी भी आप मैदा ना खाएं, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तीसरा सबसे डेंजरस चीज जो खान पान में है वो है आपको रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल तो आप बिल्कुल ही घर में बंद कर दें, क्योंकि ये आपके साथ साथ बच्चों के लिए भी हानिकारक है, आपकी पूरी फैमिली के लिए हानिकारक है। तो रिफाइंड ऑयल आप बिल्कुल से नो टू रिफाइंड ऑयल, तो उसको आप एकदम बंद करें। और सरसों तेल जो होता है, शुद्ध सरसों तेल, आप सरसों लेकर उसको मिल में तेल बनवा कर उसको यूज करें तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो रिफाइंड ऑयल को आप हटा दें अपने घर से, उसकी जगह घी का यूज करें, वो ज़्यादा बेनिफिट बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो पहला तो जो मैंने बताया अभी डाइट में, उसमें तीन चीज़ जो आपको अपने घर से हटानी है वो हो गया पहला शुगर, दूसरा मैदा और तीसरा रिफाइंड। इन तीनों को पहले आप किचन से धीरे धीरे कम करते हुए ख़त्म करें, तो आपका जो परिवार है वो स्वस्थ रहेगा। आशा करती हूँ कि आप इन तीन चीज़ों को खाना ज़रूर कम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।